नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सवर्णों में जो गरीब तबका है, जिसको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उसके लिए 10% का आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है। ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर बनकर साबित हो सकती है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, खास करके वे लोग जो हमेशा से सामाजिक न्याय की वकालत करते रहे हैं, उनके लिए कसमकस की स्थिति पैदा कर देगी। एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 सदस्यीय खंडपीठ ने एक फैसला दिया है, जिसमें 3 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनका ये माना है, और इसलिए ये इसको मेजॉरिटी ओपिनियन कहा गया है, कि जो 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, वो संविधान के अनुरूप है, वो संविधान के विरोध का क्या विरोधी नहीं है। दूसरी तरफ जो 2 न्यायाधीश उसमें थे, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ललित थे, जिनका कि वो अंतिम दिन था उस दिन का, उन्होंने भी, और एक जस्टिस भट्ट, ये दोनों का फैसला इसके विरोध में था। लेकिन ये फैसला, ये आप इस तरह से समझिए कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के लिए या उच्च जाति के लोगों के लिए, और उस उनमें से भी जो सिर्फ जो 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 बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनके लिए ये आरक्षण तय कर दिया। अब सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के तबके को 10% आरक्षण मिलेगा। इसमें समझने की बात यह है कि जब यह 10% का फैसला दिया गया है, तो इसमें सिर्फ ये सवर्णों के लिए किया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनका जिन जिन जिनकी आय कम है, और दूसरी तरफ जो SC ST और बाकी OBC हैं, वो गरीब रहते हुए उनको इससे अलग रखा गया, उनके लिए 50% का कैटेगरी है। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर होगी, और आज की समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूं आपका PC सिंह। मैंने जो कहा आपको शुरुआत में, मैंने कह दिया कि ये बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, इस फैसले के बाद उस तबके में एक खुशी की लहर पैदा हो गई है। ये आप मान के चलिए, इसे कोई जमीनी स्तर पर कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। असल दरअसल बात क्या है कि जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो नौकरियां तो कम है देश के अंदर, हम सब जानते हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी है, और खास करके कोरोना के चलते जो स्थिति है, तो आर्थिक संकट का सामना कर रहा देश और पूरी दुनिया के बाकी देश, तो ये समस्या है। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी भी जजमेंट का, किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन का एक मैसेज होता है। इस बात को अगर आप समझते हैं, जिसे जब अतीत में VP सिंह ने आरक्षण का फैसला लिया था, जब वो उनकी सरकार थी, और उनके वो जो जनता दल की सरकार थी, और उसमें सारे लोग थे, 3 जो वरिष्ठ नेता थे उसके, VP सिंह प्रधानमंत्री, और चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री, और चंद्रशेखर का खेमा था। तो ये फैसला लेकर के, जब VP सिंह का ये फैसला आया था, तो उन्होंने पूरे देश में भूचाल मचा दिया था, और सारे के सारे लोग सकते में आ गए थे। तो जो सामाजिक न्याय का, जो रिजर्वेशन का मामला था, किया तो था उन्होंने चौधरी देवीलाल को के ऊपर अपना कब्जा बनाने के लिए, कि पूरा का पूरा उनके पार्टी के अंदर पूरा देश जो है वोट बैंक एक उनके पक्ष में आ जाए। और आप हम सब जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया, चौधरी देवीलाल के खेमे में बैठे हुए लोग, चाहे वो शरद यादव हों या लालू यादव हों, नीतीश कुमार, रातों रात उन लोगों ने अपना पलड़ा बदल लिया। तो ये जो एजेंडा होता है, जो जिसको कहते हैं कि एक 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 पॉलिटिकल गेम प्लान होता है, कि एक ट्रिक होता है जो आप चलते हो, जो जिसको कि ये तुरुप का पत्र था VP सिंह का, सब के सब लोग, चूंकि सबको फिर से मैदान में जाना है, OBC का वोट चाहिए उनको, और जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो ये बैकग्राउंड है। आज वो दिन नहीं है, आज का जो जमाना है उसमें बहुत का फर्क हो गया है। आज जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है,
और उसके पास राम बाण जैसा मुद्दा है जो हिंदू राष्ट्र का, और बाकी उसने 370 करके कश्मीर को को जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया है, और दूसरी तरफ से उसने राम मंदिर का भी उद्घाटन करके, राम मंदिर का जो शिलान्यास का उद्घाटन हुआ उस वो भी हो गया है। अब ये जो तीसरा एजेंडा है जो जो जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो अब नेक्स्ट एजेंडा पर है। तो वो जमाना अलग था कि जब बीपी सिंह का प्रेशर था, सामाजिक आरक्षण जो जो सामाजिक न्याय का स्लोगन चल रहा था, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, सारे के सारे ओबीसी के लोग और दलित सब एक पक्ष में, सब एक एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, और किसी की ताकत नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ बोल सके। जो लोग इसके विरोध में भी थे वो भी मिला जुला कर के कोई अपनी स्थिति को स्पष्ट करते थे, और जो लोगों ने भी इनका विरोध किया और या लगा कि विरोध कर रहे हैं उनका पत्ता साफ हो गया। चंद्रशेखर जैसा बड़ा नेता जिसका जिनकी अपनी एक बैकग्राउंड था, वो भी उनकी भी स्थिति खराब हो गई। अंत में चल करके वो अकेले रह गए पूरे पार्लियामेंट में। आज की स्थिति दूसरी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो लोग सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं उनके लिए कसम कस की स्थिति पैदा कर देगी। आज वो जो ओबीसी का कॉलोमरेशन है, जो बैकवर्डिज्म जिसको कहते हैं, उसकी स्थिति उस जमाने जैसी नहीं है। उसके बाद से जो ओबीसी का जो वोट बैंक था, मैंने जो वो कई खेमा में बट गया है। लालू यादव उस जमाने में बिहार के हीरो हुआ करते थे, बल्कि उन्होंने ही जब आडवाणी का रथ यात्रा शुरू हुआ था तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। आज क्या है, लालू यादव के खिलाफ जो बैकवर्डिज्म में जो एक नया तबका उभरा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो आज ये दो खेमा हो गया है। शरद यादव भी कहीं और है, तो पूरा का पूरा जो सामाजिक न्याय का खेमा है वो बिखरा हुआ है। और आज कोई भी ये इस तरह का नेता इसको इसका विरोध ओपनली नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि जब इन लोगों में जो जो ओबीसी का जो बैकवर्डिज्म जब बिखरा है, तो इन लोगों ने अपनी राजनीतिक स्थिति बनाने के लिए सवर्णों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। यही लालू यादव के जो पुत्र हैं, छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि सबको लेके चलना है, और वो आज भूमिहारों के बीच काम कर रहे हैं, सवर्णों के बीच काम कर रहे हैं, चूंकि उनको ये जो एक जो इमेज है लालू यादव का एंटी फॉरवर्ड, वो खत्म। आप देखिए कि आज कोई चाहे वो लालू यादव हो या मायावती हो, एक जमाना था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और बिहार में नारा लगता था कि भूरा भाल बाल साफ करो। आज की कोई उस तरह की स्थिति में नहीं है, और इसका नतीजा आज यही कारण है कि समय बदल गया है, एजेंडा बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है, कि गोपालगंज जैसा क्षेत्र जो मैंने कहा अपने कल के कार्यक्रम में कि वो लालू यादव का वो आंगन है, घर, बस घर ही है समझिए, इतने ज़्यादा मुसलमान, इतना ज़्यादा यादव, और फिर भी वो चुनाव मार्जिनली हार जाते हैं, अब वो महागठबंधन हार जाती है, ये सब इसी चीज़ का कारण है। चूँकि मैंने कहा कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आज कोई भी बैकवर्डिज्म, एक्सेप्ट मैंने आज देखा जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा है कि इसका विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कानून का सहारा लूंगा, मैं देखता हूं इसका क्या विकल्प बचता है, और जो बाकी लोगों से भी बात करूंगा। असल में इन लोगों को एतराज ये है कि अगर गरीबी गरीब लोगों को ही देना था तो गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन के तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दलितों की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसमें शेड्यूल ट्राइब आता है और ओबीसी आता है, उनको क्यों दरकिनार किया गया है। ये बीजेपी का ये जो ये फैसला आया है, ये मान लीजिए कि बीजेपी ने ये जो उसके ऊपर कहा था कि सवर्णों की पार्टी है, उसको उसने अपना कॉन्फिडेंस में आज ले लिया है। और दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय के लोग थे जो इसकी वकालत करते थे, आज वो स्थिति में नहीं है जो खुलकर इसका विरोध करें, और वो स्थितियां भी नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है और सामाजिक न्याय के लोग आपस में बिखरे हुए हैं। तो इन्हीं इसी चंद सवालों के ऊपर मैंने अपना आज प्रकाश डाला है। तो मैं सिर्फ इतना आपको, मेरा जो निष्कर्ष है, ये जो फैसला हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, वो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जो उसकी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे सामाजिक न्याय की पार्टियां हो या बाकी कोई भी लोग हैं, हाँ दक्षिण भारत में निश्चित रूप से स्टालिन कुछ कर सकते हैं, कुछ एक आंदोलन बनाने का कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या वहां पर काफी ज्यादा है, वहां पर सवर्णों की जनसंख्या कम है।
हम जानते हैं कि अतीत में भी किस तरह से तमिलनाडु में एंटी ब्राह्मिनिकल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मैंने इस पूरे अपने इस छोटे से डिस्कशन में इसका जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो, इन सारे चीज़ों को समेटने का कोशिश किया है। और आपको मैं वादा करता हूँ जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे तो फिर और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद।